अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैन, अरब न्यूज़ टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज आपको बहुत ही अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि सेहत बिगड़ने पर साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि अब की बार सदर परवेज मुशर्रफ की हालत इंतहाई नाजुक है। अहले खाना की सबक सदर परवेज मुशर्रफ की सेहत के लिए अवाम से दुआओं की अपील। आपको मजीद बताते चलें कि सबक सदर परवेज मुशर्रफ जो कि इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, उनके बारे में बताया गया है कि उनकी सेहत काफ़ी बिगड़ गई है, जिस पर उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। याद रहे कि परवेज मुशर्रफ पर पाकिस्तान में इंतहाई संगीन गद्दारी के मुकदमा दर्ज हैं, जिन पर काम अभी जारी है। नवाज शरीफ दौर में सन 2013 में सबक सदर परवेज मुशर्रफ इलाज के लिए इजाजत लेकर पाकिस्तान से बाहर गए, लेकिन उसके बाद वापस नहीं आए। सबक सदर परवेज मुशर्रफ पर सन 2007 में एमरजेंसी लगाने और आइन तोड़ने के हवाले से आर्टिकल नंबर 6 के तहत गद्दारी के मुकदमा दर्ज हैं। नाजरीन, आगाह करते चलें कि नवाज शरीफ दौर में मुशर्रफ इलाज के लिए बाहर जाते हैं और फिर वापस नहीं आते, लेकिन उधर दुबई में भी उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। चंद रोज कबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है कि मुशर्रफ को पाकिस्तान वापस लेकर आया जाए, लेकिन उनके वकील की दरख्वास्त पर उनका बयान स्काइप पर लेने का फैसला हुआ। अलबत्ता अब बड़ी खबर आई है कि उनकी सेहत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और उनको हंगामी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। अब तक के लिए इतना ही। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।